जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज आज़ादी का उत्सव है, स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाई। अभी हम चल रहे हैं झंडा कोलम में, तो आप सब बने रहें। और एक सरप्राइज है, और जगह तो बहुत जगह जाएंगे ही, परंतु एक ऐसा जगह जहां हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, जिन्होंने कहीं नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे स्वतंत्रता दिवस। उन लोगों को अच्छा लगेगा और साथ में एंजॉय भी करेंगे। और कितने माओं ने अपने बेटों को खो दिए, कितने बहनों ने अपने भाई को खो दिए, कितनी बहनों ने अपनी सुहाग को खो दिए, तब जाके आज़ादी मिली। तो इसके लिए हम लोगों को वीर बलिदानियों को तो याद करना ही चाहिए, और कर भी रहे हैं। आप सभी वीर बलिदानियों को याद करें और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेट करें। तो बहुत ही अच्छा ये त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो अभी जा रहे हैं, आप सबको दिखाएंगे, आप सब बने रहें, हमारे यहाँ निकल चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं। हर कर्म अपना करेंगे, अरे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान जाएंगे अपनी छत पर, छत पे जा रहे हैं, तो अभी जा करके तिरंगा लहराएंगे अपने छत पे, उसके बाद जान देंगे। हे वतन तेरे हरे करम, हरे करम करेंगे, हरे करे हरे करम करेंगे, हे वतन तेरे। अभी हम अपने छत पर तिरंगा लहरा रहे हैं और छोटा सा गाना भी गुनगुना रहे हैं अपने देश के लिए। बहुत ही गर्व की बात है, तिरंगा तो मेरी जान है और शान है, और सभी के लिए भी जान है। तिरंगा को कोई भुला नहीं सकता है, इसमें बहुत सारे बलिदानियों का, शहीदों का प्रलम्ब इसमें समाया हुआ है, और बहुत सारे बलिदानियों का इसमें उनके घर के लोगों का आंसू है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। जय जय यमुना गंगा, उज्जल जल गंगा, जाएगा भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु। देर के लिए बैठे हैं हम सब। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तुम्हारे हवाले वतन साथियों, फिर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अभी पहुंच गए हैं दोस्तों ओल्ड एज होम, और आइए हम सब दिखाते हैं, सभी अभिभावकों से मिलाते हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सच मानिए, इतना खुशी मिलती है ना कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खुशी मिलती है। आप सभी आइए और इन लोग के साथ
सब त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग तो बराबर आते हैं और सभी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, ये लोग बहुत खुश होते हैं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब मिलिए इन लोगों से।
माता जी आशीर्वाद दे रहे हैं। रहते हैं माँ पिताजी बड़े बुजुर्ग जो लोग घर में नहीं रहते हैं, बहुत ही तैयार ये लोग खुश करके छोटी छोटी खुशियाँ प्रयास करते हैं और देखिए सभी लोग कैसे बैठे हैं बुजुर्ग लोग घर पर कोई नहीं है और वृद्धाश्रम में रहते हैं आप समझ सकते हैं और हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं और बहुत ही खुश हुए लोग तो किसी के हर त्यौहार में हम लोग जा करके उन लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा लगता है, सभी को खुशियाँ मिलनी चाहिए, सभी का हक है त्यौहार मनाने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है और उनके बुजुर्ग कैसे हमसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल का बात बताते हैं, कुछ कुछ हम लोग पूछते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं कि हम कैसा है मेरे से कोई पूछा है इसलिए लोग बहुत खुश होते हैं। देखिए सभी नाश्ता का बांटा जा रहा है और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सभी के पास नाश्ता के कप ले गया, फ्रूट फल और जो भी था सामान और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग गाना गा रहे हैं, बचपन की यादें इन लोगों को ताज़ा कर रहे हैं कि इन लोगों को भी खुशी महसूस हो, स्वतंत्रता दिवस की याद आए और कैसे स्कूल में मनाते थे वो याद आ जाए, बहुत ही खुश। तो सभी लोग गाना साथ में मिलकर गा रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए ऐसे। तो आप सब कैसे स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग का मजहब का कोई ये बात नहीं है। देखिए हर कास्ट का बचपन का याद ताज़ा हो गया, छोटा छोटा सनातन धर्म से है, हिंदू धर्म से और हमारे मुस्लिम भाई लोग भी आ रहे हैं साथ में हम लोग का, तो ये लोग भी साथ में हम लोग को मना रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। जाति धर्म का कोई भेदभाव हम लोग के पास नहीं है, हम लोग हर इंसान से प्यार करते हैं और इंसान से प्यार करना भी चाहिए, किसी धर्म से जाति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक हैं सभी लोग और सब भाईचारा के जैसे रहते हैं, सब भाईचारा है, सब अपना भाई है, किसी का रक्त तो अलग अलग नहीं है ना, सभी हम लोग एक ही है ना, इसलिए ले लीजिए आज स्वतंत्रता दिवस है, ले लीजिए। सोचने लगते हैं लोग कि मेरा घर का लड़का बने डॉक्टर इंजीनियर और बगल वाला घर का लड़का बने भगत सिंह, लड़े हो हम फायदा लें, ऐसा नहीं चलता है। छोटे छोटे समाज में भी एकत्रित होकर काम कर रहे हैं और बच्चे लोग भी झूला में झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दीदी लोग पूरा तैयारी कर रही है और साथ में दीदी बाबा कैसे खा रहे हैं, आने का एकदम पार्टी शुरू हुई है। देखिए देखिए भूख खड़ के खाए खाए खा लिए जय श्री राम। नमस्कार सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ आए हैं अभी? अभी हम लोग आशीर्वाद ओल्ड एज होम में आए हैं और बस का यात्रा इन एजियन की शुरुआत के द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हैं सब कोई काफी एंजॉय किया उस प्रोग्राम में, बुजुर्गों के साथ स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया। फिर से एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये बाबा है जो ओल्ड एज होम में ही रहते हैं और इनका संगीत सुनकर आंखों में आंसू आ गया। इतना दर्द भरा ये संगीत गायन, क्या बोले। अगर कोई भी इनका कैसे अंदाज लगाने का, इतना सुरीला आवाज और इतना दर्द भरा, क्या बोले। इसका कोई मोल नहीं और इसका कोई जोर नहीं, शब्द भी फीका पड़ जाएगा। ये ओल्ड एज होम में रहते हैं, इनका परिवार का कोई है एक पर्सनल बात नहीं बोल सकते हैं, परंतु बहुत दुख होता है इतने अच्छे ये लोग अपना खुशी बांट रहे हैं उनके साथ बांट रहे हैं। ये ओल्ड एज होम में रहते हैं, बहुत खुश है अभी कि हम लोग आए हैं मनाने पर स्वतंत्रता दिवस। तो अभी ये इनको हम लोग आग्रह किए नहीं, चाचा जी गाइए गाइए, तो गा रहे हैं सुरीला आवाज में। ताली बजाइए, ताली बजाइए। गुड गुड। नाम जुदा है तो क्या, भारत माँ के सब है एक भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले, जो घर वापस राम आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। जा बेटा जा मेरे यारा जा, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पर तो आए। देखो वीर जवानों अपने इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों যদি সবাই ফিরে চায়, ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে চায়, তুমি পরন পথে আধার রাতে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাটা কত রক্ত মাখা প্রচলন করে একলা দল। देखिए आपका सुर में सुर लाने के लिए कितने लोग खड़ा हो गए। गाने को थोड़ा बजा रहे हैं, बहुत लोग बुजुर्ग बहुत लोग आप
हाथ में बैठ के खाते हैं, सर पर रखिए तो सर पर बैठ के बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा देश ऐसा ही है, हमारा देश बहुत सुंदर है। हिंदुस्तान मेरा सबसे प्यारा देश है, सबसे अलग है, और इस देश में खूबसूरत लोग भी रहते हैं। तो
खूबसूरत चिड़िया भी रहती है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश मेरा। नहीं आता हमको बस प्यार नहीं आता है, अभी बस प्यार नहीं आता है, जिसे मान चुके सारी दुनिया आता है। और आज इतने खुश हुए, खुशी हुए, साथ में हम लोग गाना गाए, साथ में नाश्ता किए, चाय पिए और ठंडा उत्सव मनाए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग स्वतंत्रता दिवस का, जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और नए हो अगर मेरे चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।